लोग पूछ रहे हैं ना कि मेवात हिंसा कैसे मुसलमानों को दोष दिया जा रहा है, क्या रोल है भाई इनका। आपको एक कुछ सेकंड की क्लिप दिखाना चाहता हूँ, क्लिप बड़ी हो जाएगी तो मैं खुद अपने चैनल पे वो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इतना हिंदुओं को अभद्र भाषा में गाली दिया है वो। आप पहले उस सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, पूरी चाहिए क्लिप तो डीएम करिए, मैं दूंगा। मेवात में भाइयों जे मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आरोए, कसम खुदा की यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। देखो मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो मुझे जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ, जंग है यू। और या मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमें कामयाब करेगा, ये जैसे आवन है सही है, जिनकी तोड़ फोड़ कर दो। और हिंदू उनसे तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे अभी ऐसी कई और परतें खुलेंगी, अभी कई ऐसी और वीडियो जब NIA जांच करेगी ना, तो आपको कई और ऐसी बातें पता चलेंगी कैसे स्लीपर सेल की तरफ हमारे बीच जुटे हुए हैं। जैसे भारत एक्सप्रेस ने एक बस्टिंग किया था कि पुलिस वालों में भी मुसलमान अपने हिंदू आइडेंटिटी लेके घर में मुसलमान, बाहर हिंदू बन के, ऑफिस में हिंदू बन के पुलिस में शामिल हैं। उसी तरीके से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी एजेंडे पे, ISIS एजेंडे पे, कैसे ना कैसे जब पकड़े जाएंगे तो उनका सामने आएगा पूरा कच्चा चिट्ठा कि कितने पुराने जिहादी हैं, कितने पुराने स्लीपर सेल हैं। अब आपको पता चला है, वीडियो शेयर करी, सबको अवेयर करी कि ऐसे लोगों के लिए दिमाग आँख खुली रखें। आपके हर जगह, जहाँ 80%, 40, 20% से भी ज़्यादा होंगे ना, वहाँ